तो क्या आप भी माइनक्राफ्ट के बहुत बड़े दीवाने हो? हाँ। लेकिन आपके पास लुएन डिवाइस है और खेलना चाहते हो माइनक्राफ्ट? अरे हाँ भाई हाँ। पर क्या करें, माइनक्राफ्ट खरीदने के लिए अब्बा नहीं मानेंगे। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है ना, यो भाई पैरानॉइड। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट दिलाने वाला हूँ यार, अंबानी थोड़ी हूँ भाई, बंबानी हूँ मैं। पर निराश होने की कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट से मिलते जुलते कुछ ऐसे गेम्स, कोई कॉपीड नहीं बोलेगा, जिनको खेलने के बाद आपको माइनक्राफ्ट का पूरा स्वाद आने वाला है। और देखना वीडियो के एंड तक, आप लोग खुशी के मारे मेरे को कमेंट में चुम्मिया दोगे। कुछ ज्यादा ही हो गया। तो चलो बिना किसी फालतू बकवास के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, वैसे तो आपने माइनक्राफ्ट के बिल्कुल ही RTX अल्ट्रा HD वो भी शेडर्स के साथ गेम प्ले तो देखा ही होगा, और बहुत बार उसको देखने के बाद आपका ही मन करता होगा कि काश मैं ये खेल पाता, लेकिन आप वहीं पे अपना मन सकोड़ के रह जाते हो। लेकिन इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा गेम जहाँ पे आप माइनक्राफ्ट खेल सकते हो, वो भी बिल्कुल हाई एंड शेडर्स और इतने अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास गेम है उसका नाम है HD क्राफ्ट 3D, और इसका इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी एक लिमिटेशन बता दूं कि ये बस क्रिएटिव मोड में है। लेकिन ये सुन के पीछे मत हटो, क्योंकि इसके अंदर जो आपको देखने वाला है उसको देखने के बाद आप बिल्कुल ही शॉक हो जाने वाले हो। तो गेम स्टार्ट होने के साथ ही आप स्पॉन हो जाने वाले इस शानदार सी वर्ल्ड के अंदर, और ये आप इसके टेक्सचर देखो कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं। तो ये हमने लगाया एक रेडस्टोन का ब्लॉक, एक टेराकोटा, एक कोल का ओर, और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया थोड़ी बहुत वुडन लॉक। तो मुझे नहीं लगता कि इस टेक्सचर्स के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो ये कितना ज्यादा औसम लग रहा है। तो इस गेम के मैप के अंदर ही हमको एक घर भी देखने को मिल जाता है जहाँ पे थोड़े बहुत गमले और बहुत ही ज्यादा अच्छे टेक्सचर्स के साथ डर्ट देखने को मिलती है। और गाइस ये देखो इसके अंदर का इंटीरियर, लेकिन इंटीरियर की बात नहीं है, बात है इस गेम के रियलिस्टिक ग्राफिक्स और साथ ही साथ शेडर्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी मन करता होगा माइनक्राफ्ट को बिल्कुल ही हाई एंड वाले शेडर्स के साथ, और वो भी ओपी रिसोर्स पैक के साथ खेलने की। लिटरली माइनक्राफ्ट को वैसे खेलने में मजा ही बिल्कुल अलग है, लेकिन वो चीज अब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। अरे पर रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की बायोम भी देखने को मिल जाती है, और मैं आपको एक बार नई बायोम के अंदर लेके जाता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देखो जमीन के अंदर कितना ज्यादा बड़ी वाला रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, और एक बात बोलूँ, हमारे रियल लाइफ से भी ज्यादा बढ़िया रिफ्लेक्शन इस गेम के अंदर हमको देखने को मिल जाता है। और ये बिल्कुल डिटो सेम चीज हमको यहाँ पे सैंड वाले बायोम के अंदर भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सैंड है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह रिफ्लेक्ट करती है। और रिफ्लेक्शन के तो हम माइनक्राफ्ट फैंस नंबर 1 दीवाने हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे नंबर 2 गेम की, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन लाइट क्राफ्ट। एक बार देख के आता हूँ गूगल से। हाँ, तो इसका नाम है एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट लाइट। और एक जमाना था जब मैं इस गेम को माइनक्राफ्ट समझ के बचपन में घंटों तक खेलता था, मतलब कितना ज्यादा बेवकूफ था मैं। तो इस गेम के अंदर सबसे पहले आप माइनक्राफ्ट की तरह वर्ल्ड को क्रिएट करते हो ऑब्वियसली, और जो इसके अंदर एंटर होने का तरीका है वो सही में बहुत ज्यादा अपर लेवल का है। तो ये भी बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह सर्वाइवल गेम है जहाँ पे आपको अपने गुजारने के लिए रहना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे लकड़ियाँ काटते हो, जो कि ऑब्वियसली हर एक माइनक्राफ्ट प्लेयर ने करा ही होगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बायोम्स भी देखने को मिल जाती है साथ ही साथ बहुत सारे रहस्यों के साथ, और इसके अंदर आपको ढेर सारे टाइप की नई नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बढ़िया बना देंगी। तो मेरे को यहाँ पे एक मुर्गी मिली है, तो मैं इससे पूछता हूँ कि इस गेम के अंदर और क्या क्या है करने को। तो मुर्गी जी मेरे को बताओ तो इस गेम के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अरे इग्नोर क्यों कर रहे हो यार, बता दो तो इस गेम के अंदर और क्या क्या चीज़ें। रुक मैं इसकी गुद्दी नापता हूँ, बता कैसे नहीं रही। पर एग्जैक्टली माइनक्राफ्ट की तरह ही आपको यहाँ पे भी बहुत सारे बायोम्स देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल के साथ ही साथ आपको डिफरेंट टाइप के डायमेंशन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर एंड और नेदर तो है ही, पर एक अलग ही टाइप का डायमेंशन है जो कि मैं 2-3 साल पहले खेला था, लेकिन मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये ड्यूटी आप पे सौंपता हूँ, आप इसको खेलो और आप मेरे को बताओ कि इसके अंदर वो कौन सा नया डायमेंशन है। फिर यहाँ पे रात होती है, आपकी जिंदगी पे खतरा बढ़ जाता है और आपको सर्वाइव करना होता है बहुत सारे डेडली मॉब्स। तो मेरे सामने यहाँ पे एक स्पंज आया था कुत्ता, जिसको तो मैंने आराम से पील दिया, और मुझे नहीं पता कि इसने हमको बोर में भर के कौन सी जड़ी बूटियां दी है। लेकिन जो भी कहो ये गेम है बहुत ज्यादा अंडररेटेड। तो यार इस गेम को एक बार ट्राई जरूर करना। और अब बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर के गेम पर। तो अब जो मैं आप लोगों को गेम बताने जा रहा हूँ उसको खेलने के बाद आपको बिल्कुल मजा से आ जाएगा, क्योंकि इस गेम के अंदर माइनक्राफ्ट जितना मजा तो है लेकिन फन कुछ ज्यादा कूट कूट के भरा है। सबसे पहले इस गेम के अंदर आपको अपने मन पसंदीदा कैरेक्टर को चूज करने का मौका मिलता है।
और कैरेक्टर को चूज करने के बाद आप एंटर हो जाते हो इस गेम की लॉबी में। और यहाँ पे सबसे पहले हमको एक बेसिक सा ट्यूटोरियल दिया जा रहा है, जहाँ पे आप बिल्डिंग कर सकते हो, ब्लॉक्स को बड़े ही प्यार से तोड़ सकते हो। और बस थोड़ी देर खेलने के बाद ही आप लोग खुद देखो, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया अपना बिल्कुल आलीशान सा डेजर्ट थीम का मॉडर्न हाउस। और रुको चचा, अभी तो कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। तो मेरे घर को बनने में कुछ देरी हुई है और अभी आप लोग खुद देखो, मेरे बिस्तर पे एक बूढ़े बाल वाली आंटी आके नाच रही है। मतलब मेरा घर तो पूरा बन जान दे, सबसे पहले आके यहाँ पे अपने कब्जा जमाने लग गई। तो बदला तो यहाँ पे पूरा कर लेना ही पड़ेगा। तू आई यहाँ पे अपनी मर्जी से, पर जाएगी मेरी मर्जी से। अच्छा वाह, गजब बेइज्जती है, दीवार मैंने इतनी मेहनत से खड़ी करी, यहाँ से भाग गई है। मैंने इसी खोपड़ी पे पत्थर डाल दिया। What? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बुली कर दिया उसको, उसने गेम ही क्विट कर दिया। शिट भाई। तो अभी गाइस मेरे को यहाँ पे बम दिखाई दिया है, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसे काम करता है। व्हाट, मैंने बस एक बटन दबाया और यहाँ पे पूरा इलाका फूट चुका है। यार मैंने इस घर को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत करी थी, मैंने एक एक पत्थर को जमा कर करके अपनी खुद की मेहनत से घर को खड़ा किया था, मेरा प्यारा घर। ओके बस ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं। तो अभी मेरे को मेरे घर के सामने और भी ज्यादा घर दिखाई दिए, तो शायद से और भी नए नए प्लेयर्स के घर हो सकते हैं। तो अगर मेरा घर यहाँ पे तबाह हो चुका है तो मैं इनका घर कैसे बचने दे सकता हूँ। मैं जल्दी से यहाँ पे सारे बम लगा देता हूँ। और ऊपर मेरे को यहाँ पे एक और आइलैंड दिखाई दे रहा है, तो चलते हैं सारे बम लगा के इस पूरे आइलैंड के नामो निशान मिटाते हैं। तो मुझे उस चट्टान के ऊपर एक प्यारा सा घर दिखाई दिया है और बिल्कुल ही बहुत अच्छे स्पॉट पे है, इसके अंदर टीवी चेस्ट और बहुत सारी चीजें हैं। कितना होम स्वीट होम है, लेकिन ज्यादा देर तक अभी बचने नहीं वाला। मैं यहाँ पे बहुत सारे बम प्लांट कर देता हूँ और उसके बाद बम तो प्लांट कर दिए। और ये भाई साहब, मैंने इसका घर कितनी बुरी तरीके से उजाड़ दिया है, मतलब मेरा आधा गेम रेंडर भी नहीं हुआ है और तब से सब कुछ फूटे ही जा रहा है। सही में बहुत मजा आया, आग लगा दी। और मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जब वो बंदा अपने गेम में वापस आएगा तो उनको कितनी भर भर के गालियां सुनाएगा। तो चलो अब मैं जो आपको आखिरी गेम बताने जा रहा हूँ वो लिटरली वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर वो हर एक चीज है जो कि एक माइनक्राफ्ट का प्लेयर ढूंढता है। मतलब ये पूरा माइनक्राफ्ट का कॉपी ही समझ लो। तो इस अद्भुत गेम का नाम है क्राफ्ट्समैन 4 और इस गेम का पूरा इंटरफेस माइनक्राफ्ट का कॉपी है। और मैंने जब इसको ओपन किया तो मेरे को एक बारी को लगा मैंने कहीं माइनक्राफ्ट तो नहीं खोल लिया। पर भाइयों बात अभी तक खत्म नहीं होती, इस गेम ने माइनक्राफ्ट को कुछ ऐसे कॉपी किया है कि अगर आप इसको बैकग्राउंड में रन करने की कोशिश भी करोगे तो माइनक्राफ्ट की तरह बंद हो जाएगा, ये बैकग्राउंड में चल ही नहीं पाएगा। मतलब अच्छे तो अच्छे चीजें और साथ ही साथ खराब चीजें भी कॉपी कर दी है। रुको जरा, तो अब बात कर लेते हैं इसके सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जो भी माइनक्राफ्ट की पूरी कॉपी है। तो चलो एक बार ही अपनी वर्ल्ड को भी क्रिएट करके देख लेते हैं, और इसके जितने भी इंटरफेस है मेरे को माइनक्राफ्ट से पूरे लिंक करते हुए मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने क्रिएटिव पे किया था मेरे से पूछा है कि अचीवमेंट्स चाहिए कि नहीं, जो कि माइनक्राफ्ट में भी होता है। और सेम यहाँ पे मेरे को एज रिस्ट्रिक्शन की वार्निंग भी दे रहा है, जबकि गेम मल्टीप्लेयर है नहीं, फिर भी एज रिस्ट्रिक्शन की वार्निंग। चलो कोई नहीं, अब एक बार गेम के अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है। तो जैसा कि मैं माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड क्राफ्ट्समैन 4 की वर्ल्ड के अंदर एंटर हो चुका हूं, तो यहां पे मेरे को हर चीज माइनक्राफ्ट जैसी मिल रही है। बस एक चीज का अंतर है, वो है यहां के शेडर्स। तो मेरे को लगता है डेवलपर ने शेडर्स को चेंज करके इस गेम को अपना बनाने की कोशिश कर दिया। पर डेवलपर्स को बताओ यार, गेम के शेडर्स चेंज करने से गेम उनका नहीं बन जाता, गेम रहता माइनक्राफ्ट ही है। और भाइयों हमें उससे क्या ही लेना देना, जब फ्री में माइनक्राफ्ट बैठे बिठाए खेलने को मिल रहा है तो यार आम खाओ गुठलियां क्यों गिननी, बता दो एक मुहावरा होता है। तो अगर एक बारी को आप माइनक्राफ्ट को यूनिटी शेडर्स और बाकी सारे शेडर्स के साथ खेलना चाहते हो तो उसका फील आप इस वाले गेम में ले सकते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को गेम ये बहुत ज्यादा बढ़िया लगा है, क्योंकि इसके अंदर आपको माइनक्राफ्ट का हर एक फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़िया करेगा। तो इस गेम के अंदर मेरे को भी यहाँ पे एक विलेज मिला है और ऐसे सारे स्ट्रक्चर जो कि आपको माइनक्राफ्ट में देखने को मिलते हैं वो डिटो आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डेजर्ट टेम्पल, रुइन टेम्पल और बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एक चीज जो कि मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे वो माइनक्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन 4 क्यों ना हो, वो है आयरन गोलम भैया को पेलना। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। लेकिन सबसे बढ़िया चीज जो कि मैं आपको इस गेम के अंदर दिखाना चाहता हूँ वो है इस गेम का एंड डायमेंशन। ये भी आपको बिल्कुल माइनक्राफ्ट से मिलता जुलता देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप एंडर ड्रैगन को मार के इस पूरे गेम को कंप्लीट कर सकते हो। तो इन द एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सभी गेम को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये सारे गेम वर्थ इट है। और अगर आपको इन गेम्स को खेलना है तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके एक बार चेकआउट करो। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, और ये वीडियो कैसे लगी ये भी बताना मत भूलना। तो हम मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड या टेक केयर।